पता है मेरे दादाजी आज भी हर दिन जॉगिंग करते हैं। बताओ उसका सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट है नतमस्तक का मल्टी प्रोटीन आटा, जो शुगर को कंट्रोल करे, डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखे और हर उम्र में आपको ताकत और स्फूर्ति दे। अगर आप चाहते हैं दादाजी की उम्र में भी स्ट्रॉन्ग बने रहना तो देरी मत करना। आटा सिर्फ नतमस्तक ब्रांड का ही लाना, जो शुगर करे कंट्रोल, सेहत बनाए स्ट्रॉन्ग। जय हिंद जय भारत। मैं आजाद न्यूज गुजरात ब्यूरो मोड़ासा। दोस्तों, कपरवन डिस्ट्रिक्ट के थवाद गांव के अंदर यहां पे मैं आजाद न्यूज ने पड़ताल किया है कि इस गांव के अंदर बेहद गंदगी है और नगर पालिका की जो गटर लाइन योजना की गई है वो योजना से वो फेल हो गई है। इतनी गंदगी के आजू बाजू के लोगों को रहने की बहुत तकलीफ हो रही है और ये आप देख रहे हैं कि कितनी बदबू आ रही है और हालत बहुत डेंजर है यहाँ की। हम यहाँ के जो भी जिम्मेदार आदमी होंगे, सरपंच ने या तो फिर यहाँ के जो भी जिसने तालुका पंचायत जिसने काम लिया है, इनसे हम मुलाकात करेंगे और ये बहुत दुखी की बात। अभी कोरोना जैसी गंभीर बीमारी चल रही है और इस माहौल में इस गंदगी का अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो हो सकता है कि कोरोना की शुरुआत यहाँ से होगी। मैं आरोग्य टीम से भी रुजुआत करता हूँ और यहाँ के जो भी जिम्मेदार आदमी होंगे उनसे हम आज मुलाकात करेंगे और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। इस सिलसिले में मैं आज़ाद मुन्ना मंसूरी मोड़ासा और हमारे साथ में जो खड़े हैं महेंद्र भाई, जो यहाँ के गांव के जिम्मेदार आदमी है और हमारे साथ में है, और भरत भाई करके जो भी हमारे बाइक के प्रतिनिधि हैं, वो भी समाज के अच्छे वरिष्ठ समाज सेवक है। इनके बदल हम यहाँ पे आए और यहाँ पे जो हम चाहते हैं वो ऐसा करना चाहते हैं। जय हिंद जय भारत। आज़ाद न्यूज गुजरात ब्यूरो गुजरात के कपरवन तहसील के थवर थराद गांव। दोस्तों, आज आज़ाद न्यूज ने एक पड़ताल किया है कि यहाँ पे जो गंदगी का माहौल देख रहे हैं आप, यहाँ से गटर लाइन जा रही है और गटर लाइन ऐसी बदबू हालत में, ऐसी परिस्थिति है कि इंसान तो जानवर भी नहीं रह सकते, वहाँ इंसान रह रहे हैं। और आज हमने पड़ताल किया तो यहाँ से लोगों को इंतजार कि भाई ये किस तरह का मामला है। तो यहाँ के जो प्रतिनिधि है, गांव के लोग हैं, वो बताएंगे इसका क्या हाल है, इसको क्या करना है। सुनाम बहन तमारो मंगू जोर से बोला मंगू बहन तो तुम यहाँ गामना बतनी छो? हाँ, तो आ गटर नु पानी से अगर पंचायत लो शू थई दो अमर तमे को आ तो गटर नु ना गाम नु पानी आ बाजू नु आ गाम नु पानी आवे छे पानी नो निकाल निकाल ज नत तो बारे मास आनी आज कंडीशन रे कितला समय थी आ गटर बनेली छे वरो खास वरती आ जी वर्षो से आ चाली रही तो आ तकलीफ जे ते चाली रही छे बराबर ए छेल्ला कितला समय थी तमे आ तकलीफ मा जीवी रहा 5 વર્ષ થી જો કોઈ તકલીફ નું સોલ્યુશન થયું નથી? ના. તમે કોઈ જગ્યાએ રજૂઆત કરી? ના. તો આજ તમે મીડિયાના માધ્યમથી અમે જાણ કરવા માંગે તો આ તકલીફ માટે સોલ્યુશન તમારે જોઈએ છે? હા, તો જોઈએ જ ને. તો એના માટે અમે તમારો કલેક્ટર મામલતદાર ને રજૂઆત જો કરવાનું થશે તમે કરશો? હા. રૂબરૂ જવાનું થશે જશો? હા. તો આ ટૂંકમાં આ ગંદકીથી લોકો અમુક સા ભરવા મળ્યું છે, ઘર છોડીને પણ લોકો જતા રહેલા અને આજ આમાં જે ગટરનું પાણી બંધ થાય એવું તમારે જોઈએ તો પાણીનું ગંદકીનો નિકાલ થાય. તો આ જેને જે રજૂઆત છે એ રજૂઆત તમારી પાકી આધારે અમે મામલા જશું રજૂઆત કરીએ છીએ. તો તમારી રજૂઆત આપશો તો તમે કહી શકશો ને? બીજું તમારા ગામની શું શું સમસ્યાઓ છે? કોઈ આજની રજૂઆત તમારી સીધા કલેક્ટર મામલા આરોગ્ય ટીમ ને જાણ કરી જરૂર પડશે. તો ગુજરાત સરકાર, રાજ્ય સરકાર, કેબિનેટ પંચાયત આ તો એક જરૂરિયાત પ્રમાણે બહુ જોખમી છે બરાબર. તો એટલું જ
जय हिंद जय भारत।